हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। आपकी जो पोएम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उसके कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर्स थे आज उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अपने जो पेन और नोटबुक है उसे निकाल लीजिए और आप मेरे साथ में इनको नोट कीजिए और इनको समझिए। ठीक है, देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 4 था कि व्हाट काइंड्स ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पॉइंट कि आपकी ये जो कविता है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उसमें जो पॉइंट है उसने कौन कौन से प्रकार के जो कुत्ते हैं डॉग्स है उनके बारे में मेंशन किया है, बताया है या डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो कौन कौन से थे आपको याद होगा, आपने पॉइंट को यदि अच्छे से रीड किया है पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें कौन कौन सी प्रजातियों के कुत्ते थे। ठीक है, मॉन्ग्रेल्स थे, पपीज थे, वेल्प थे, हाउंड थे एंड कर्स। ठीक है ना, ये जो प्रजातियां थी कुत्तों की तो उनके बारे में कवि ने क्या किया है, जो पॉइंट है हमारे उन्होंने बताया है। ठीक है, अब इसमें आंसर देखिए कैसे बनेगा, व्हाट काइंड्स में क्या लिखेंगे हम, सो मेनी काइंड्स ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द पॉइंट। ठीक है, सो मेनी काइंड्स ऑफ डॉग्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द पॉइंट By the point. The point says, कवि कहते हैं that the town of Islington, the town of Islington की जो Islington नाम का जो कस्बा है शहर है had many kinds of dogs कि उसमें कई प्रजातियों के कई प्रकार के क्या थे कुत्ते थे। ठीक है, उनमें कौन कौन से थे, मॉन्ग्रेल्स थे, ठीक है, पपीज थे, मॉन्ग्रेल्स, पपीज, ठीक है ना, वेल्प्स, ठीक है, वेल्प्स थे, इसके अलावा हाउंड्स, ठीक है, एंड कर्स, और कौन से थे, कर्स, आक्रमक जो शिकारी कुत्ते होते हैं। ठीक है ना, मॉन्ग्रेल क्या होते हैं, ये होते हैं मिश्रित प्रजाति के कुत्ते होते हैं। ठीक है, पपीज कौन से होते हैं, छोटे जो पिल्ले होते हैं बच्चे उनके होते हैं। वेल्प क्या होते हैं, ये भी छोटे साइज के होते हैं और बहुत ही आक्रामक कुत्ते होते हैं। हॉर्न्स ये शिकारी कुत्ते होते हैं और कर्स ये भी क्या होता है, एक प्रकार से आक्रामक कुत्ते होते हैं। तो इनके बारे में क्या किया है, जो पॉइंट है उसने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता चल गया इसमें कौन कौन से हैं आप जो प्रजातियां हैं कुत्तों की, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, देखिए बोलेंगे मेरे साथ बोलेंगे कौन कौन से हैं, मॉन्ग्रेल्स हैं, कौन कौन से मॉन्ग्रेल्स, और इसमें है आपका जो है पपीज है, वेल्प्स है, हाउंड्स है, कर्स है। ठीक है ना, कौन कौन से, मॉन्ग्रेल्स, पपीज, वेल्प्स, हाउंड्स एंड कर्स। तो आंसर भी हमारा सो मेनी काइंड्स ऑफ डॉग्स हैड बीन डिस्क्राइब्ड, कई प्रकार के जो कुत्ते हैं
उनका वर्णन किया गया है इस कविता में कवि के द्वारा। द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट द टाउन ऑफ स्लिंगटन, जो स्लिंगटन नाम का शहर है, हैड मैनी डॉग्स, हैड मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स, उसमें कई प्रकार के कुत्ते थे। कौन कौन से थे? मॉन्ग्रेल्स, पपीज, वेल्प्स, हाउंड्स एंड कर्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। व्हाट वंडरफुल इवेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वंडरफुल इवेंट्स, what wonderful events happens at the end of the film, happens at the end of the poem। ठीक है, ये जो आपकी कविता है, ये जो आपकी कविता है उसके अंत में, एंड ऑफ द पॉइंट यानी कविता के अंत में, व्हाट वंडरफुल इवेंट्स की क्या आश्चर्यजनक इवेंट्स यानी घटनाएं हैपन यानी घटती है, किस कविता के अंत में कौन सी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है, तो क्या होता है, क्या होता है लास्ट पॉइंट में, कि एक जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, एक आदमी को काट लेता है, यानी पॉइंट को काट लेता है, ठीक है ना। और जो लोग हैं उनको उस बात का डर होता है कि कहीं ये जो आदमी है, जो अच्छा वाला आदमी है, ये कहीं मरना जाए। लेकिन होता क्या है, इसके कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत क्या होता है कि वो जो कुत्ता है वो तो मर जाता है और जो पॉइंट है या फिर जो आदमी है वो क्या है, बच जाता है। तो ये क्या होती है, ये वंडरफुल इवेंट्स क्या होती है, हैपन होती है कब, एट द एंड ऑफ द पॉइंट, कविता के अंत में। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं इसमें आंसर। अ मैड डॉग बाइट्स अ मैन, कि एक जो पागल कुत्ता है, अ मैड डॉग बाइट्स अ मैन, एक जो पागल कुत्ता है वो क्या करता है, एक आदमी को काट लेता है। People fear that the man will die। लोगों को इस बात का फियर यानी डर होता है कि जो आदमी है वो क्या होगा, मर जाएगा। लोग इस बात से उनको डर लगता है कि ये कुत्ते ने काट लिया कि नहीं, अब ये मरना जाए, ठीक है ना। But what happens is contrary, but what happens is contrary, लेकिन जो कुछ भी घटित होता है, happen होता है, is contrary, वो कैसा होता है, इसके विपरीत होता है, ठीक है ना। To their expectations कि जो कुछ भी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आशाएं थी, उसके विपरीत क्या होती है, घटना घटती है, ठीक है ना। और it is the dog that dies, ठीक है, नॉट द मैन, मतलब मरता कौन है, मरता कौन है, कुत्ता मरता है, ठीक है, वो आदमी नहीं, ठीक है। तो what wonderful events happens एट द एंड ऑफ द पॉइंट, ये जो कविता है उसके अंत में कौन सी जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं वो घटित होती है। तो क्या होता है, अ मैड डॉग बाइट्स अ मैन, कि एक जो पागल कुत्ता होता है वो एक आदमी को काट लेता है, और पीपल फियर दैट द मैन विल डाई, लोगों को डर होता है कि वो जो आदमी है मर जाएगा। बट वॉट हैपन्स
इज कॉन्ट्रारी, लेकिन जो कुछ भी घटित होता है वो क्या होता है, इसके विपरीत होता है, टू देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी आशाओं के विपरीत घटित होता है। इट इज द डॉग दैट डाइज, जो मरता है वो कौन है, कुत्ता, नॉट द मैन, वो आदमी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे, और बाकी जो क्वेश्चन दिए हुए आपकी बुक्स में उसको आप अपने सेल्फ करेंगे, ठीक है ना, पॉइंट को अच्छे से रीड करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो वीडियोज है पिछले उनको आप फिर से देखेंगे और उसमें आप पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में आप उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।